चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये लास्ट 5 क्वेश्चन है जो इंटीजर टाइप था, ठीक है, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया मेंस में, जिसके आंसर क्या आएंगे इंटीजर टाइप, इंटीजर्स में इसके आंसर आते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, मतलब 21। क्वेश्चन क्या है, इफ द वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 10 एंड द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट m इवन नंबर नेचुरल नंबर इज मिसिंग समथिंग 16 देन m प्लस n इज इक्वल्स, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड स्टैट का क्वेश्चन है, अपने स्टैट्स पढ़ा हो तो एकदम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। क्वेश्चन क्या दिया, वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला था वो क्या होता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन, क्या होता है इसका मीन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, पहले क्या है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल लिखा जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 एन स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एन अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये कितने बराबर है, ये है 10 के बराबर, ठीक है ना। इसको सॉल्व करें, ये क्या जाएगा, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 एन प्लस 1 अपॉन 6 एन, इसका 6 और ये है, ठीक है, ये क्या जाएगा, एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 एन का स्क्वायर, एन से एन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, एन प्लस 1 कॉमन लेंगे दोनों में से, तो एन प्लस 1 बाई 2 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ क्या बचेगा, 2 एन प्लस 1 अपॉन 3 माइनस एन प्लस 1 बाई 1, ठीक है। सॉल्व कर रहा से आएगा, सॉल्व कहाँ पर सॉल्व करूँ, तो यहीं पर सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। एलसीएम कितना आ जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा 2n प्लस 1 माइनस 3n और माइनस 3 हो गया, ठीक है। ये कितना आ जाएगा माइनस ऑफ n माइनस 2 अपॉन 3, और नीचे कहीं कुछ गलती भी नहीं होना, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का वन लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, नहीं यहाँ पे 2 रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है। देखो 2 का स्क्वायर कितना 4 होगा, तो फिर 2 का वन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 2, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये तो देखो 4n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 3 कितना जाएगा n माइनस 1 अपॉन 6, तो ये पूरा क्या हो गया, n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एन माइनस 1 अपॉन 6, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव है बस, और कुछ है नहीं इसमें, तो इसको साफ कर दो, काम खत्म हो गया। तो वहां से क्या आ गया अपने पास, एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 इक्वल्स 10, ये ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहां से सॉल्व करो कितना आएगा, 121, और एन कितना आएगा यहां से 11 आ गया अपने पास, ठीक है। आप लोग एन मिल गया, अब क्या निकालना है, एम निकालना है, एम क्या है, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एम इवन नेचुरल नंबर, ठीक है ना। एम क्या है, फर्स्ट एम इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो जैसे इवन नेचुरल नंबर आया इसका मतलब 2, 4, 6, 8 में इसका सम करना होगा, तो जो यहाँ पे सम आया इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 स्क्वायर से, हमने कॉमन लिया सम में से, फिर मैं करके दिखाता हूँ। फर्स्ट एम इवन नेचुरल नंबर क्या होगा, 2, 4, 6 ऐसे एम तक गया हुआ है, ठीक है। तो इसका वेरिएंस क्या आ जाएगा, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा, 2 स्क्वायर बाहर आ गया, बच के गया फिर से 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर तक, सॉरी एम स्क्वायर तक अपॉन एम माइनस फिर से 2 स्क्वायर, 1 प्लस 2 अप टू एम अपॉन एम स्क्वायर, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 कॉमन लेंगे, ये किसके बराबर है, 16 के बराबर है, तो 16 में 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये तो आ जाएगा 4 इक्वल्स 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर टू एम का स्क्वायर अपॉन एम माइनस यहाँ पे आएगा 1 प्लस 2 अप टू एम अपॉन एम का होल स्क्वायर। तो सेम कैलकुलेशन है, इसको आप सॉल्व करना खुद से, सॉल्व करेंगे तो एम क्या आ जाएगा, यहाँ से एम आएगा अपने पास, सॉल्व करेंगे आप मे बी 7 या 8 आता है, 7 ही आएगा, तो एन प्लस एन कितना आ जाएगा, एन प्लस एन
11 प्लस 7 कितना 18, 18 इसका आंसर होगा। ठीक है, एक बार आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो दोनों में क्या है, प्रोसेस सेम है, मैंने सॉल्व नहीं किया, दोनों में क्या बस एन और एन का फर्क है, प्रोसेस सेम है, मैंने सॉल्व नहीं किया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ऑल इवन पावर्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 61, देन एन इक्वल्स। क्वेश्चन क्या है, बाइनोमियल थ्योरम का, और क्वेश्चन किसका है, सम ऑफ कोएफिशिएंट पे। ठीक है ना, दो सीरीज दे रखा आपने को, कैसा एक दे रखा है 1-x प्लस x स्क्वायर अप टू x पावर 2n और कितना 1+x, एक ही सीरीज है साइन ऑटोमेटिकली 2n। ठीक है, इसमें क्या बोला कि जब हम इसको प्रोडक्ट करेंगे तो इधर एक टर्म आएगा, तो उसमें जितने भी इवन पावर ऑफ x वाले टर्म होंगे जब उनके कोएफिशिएंट को हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे 61, तो बताना है कि ये n कितना होगा। ठीक है ना, तो जब इसको प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखो ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, आपको कहां तक जाएंगे, लास्ट टर्म कितना है एक्स टू एन, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे उतना ही है, टू एन नहीं है सॉरी, ये एक्स का पावर टू एन इसमें भी है। ठीक है ना, लास्ट कितना आएगा एक्स फोर एन, यहाँ कितना आ गया ए फोर एन। ठीक है ना, अब देखो क्वेश्चन क्या, सम ऑफ कोएफिशिएंट जैसे ही आता है तो आपने पहले मैंने पढ़ा होगा कि जैसे ही सम ऑफ कोएफिशिएंट आया तो क्या करते हैं, एक्सपेंशन में एक्स की जगह पे 1 पुट करते हैं, माइनस 1 पुट करते हैं, फिर उसको एड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरे को आंसर मिल जाता है। ठीक है ना, तो अपने यहां पर ही काम करना है। ठीक है, एक बार एक्स की जगह पे 1 पुट करो तो क्या होगा, देखो इसमें क्या अल्टरनेट टर्म्स है तो कैंसिल हो जाएगा सारा, ये सारा जगह प्रोडक्ट में, बस ये 1 बचेगा, कितना है 1 * 2n + 1, यहां से लेके यहां तक टर्म कितने 2n और 1 2n + 1 टर्म्स कितना हो गया, वहां पर देखो a नॉट प्लस ए वन प्लस ए टू, आपको कहा तक गए ए फोर अंदर चले गए। अब एक बार इसके आपको माइनस वन, माइनस वन क्या होगा, ये वाला हो जाएगा ये टू एन प्लस वन और वो कितना हो गया 1, अल्टरनेट टर्म्स क्या कैंसिल हो जाएंगे उसमें, इसमें वहां पे क्या आएगा देखो ए नॉट एक्स के साथ माइनस वन सॉरी माइनस ए वन प्लस ए टू अप टू कहाँ तक है ए फोर एन तक है, इसको जब एड करेंगे तो क्या होगा, इधर क्या आएगा ट्वाइस ऑफ टू एन प्लस वन और इधर क्या जाएगा ट्वाइस ऑफ ए नॉट प्लस ए वन सॉरी ए नॉट प्लस ए टू प्लस ए फोर, आपको कहां तक चलेगा ए फोर तक जाएंगे हम। ठीक है ना, फोर एन क्या इवन नंबर, इवन ये इवन ही है तो यहाँ तक है, ये पूरा किसके बराबर है 61 के बराबर, ये जो सम दे रखा है यही क्या है 61 के बराबर है, तो मैं इससे इसको इक्वेट कर दो कहीं पे कर दो, यहाँ पे कर दो बस एक बार x दिया 1 रखो और एक बार क्या रखो x दिया पे माइनस 1 दोनों को ऐड करो यू विल गेट द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नोट कर लेते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, लिमिट का क्वेश्चन है, तो लिमिट के प्रॉब्लम में सबसे पहले काम क्या करते हैं, फॉर्म चेक करते हैं, तो फॉर्म चेक करो 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये कितना जाएगा 9, ये कितना जाएगा 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, तो ये 3 माइनस 12 माइनस नहीं तो 9 माइनस 10 कितना हो गया ऊपर में 0 और नीचे भी कितना आएगा -1 और ये भी कितना -10, तो 0 और 0 का फॉर्म है, तो सबसे सिंपल रूल क्या है यहाँ पे, आप लेटर लगा दो एन हॉस्पिटल रूल में वो लगा दो ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करो यू विल गेट द आंसर। ठीक है, एक तरीका तो ये है, बहुत सिंपल है, बेटर है, इसका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, एक तरीका और क्या है कि हम रिप्लेस कर दें। ठीक है ना, रिप्लेस करें किसको, जिसकी वजह से ये फॉर्म क्रिएट हुआ है उस टर्म को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो लिमिट में क्या ऊपर 0 तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही नीचे 0 आया तो दिक्कत है, तो हम लिमिट यूज करते हैं, तो नीचे 0 जिसकी वजह से है उसी को रिप्लेस कर दो, यहाँ पे क्या है इसी को रिप्लेस कर देते हैं, तो 3x/2 क्या लिया हमने t लिया, आप माइनस में लो कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस क्यों लिए, ये थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाए, टाइम कम लगे। ठीक है ना, तो यहां से क्या आएगा 3x कितना हो गया t² के बराबर, अगर x 2 को 10 करेगा तो t² 9 को 10 करेगा, तो t या तो +3 को 10 करेगा या फिर -3 को 10 करेगा, तो किसे लें +3 या -3,
तो ऑफकोर्स हम प्लस थ्री लेंगे, क्यों, क्योंकि टी क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोई भी निगेटिव नहीं होता है, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो हमने टी क्या लिया, थ्री लिया, तो नाउ द क्वेश्चन लिमिट टी टेंड्स टू थ्री, थ्री एक्स कितना हो गया यहाँ से, टी स्क्वायर प्लस थ्री क्यूब 27 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 12 अपॉन, ये कितना है माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस में है, यहाँ माइनस में क्या है बाई जाएगा, रेसिप्रोकल 1 बाई टी माइनस, ये कितना हो जाएगा 3x, 3 बाई टी स्क्वायर, 3 अपॉन टी स्क्वायर हो गया। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आएगा देखो, टी फोर माइनस 12 टी स्क्वायर प्लस 27 अपॉन में क्या टी स्क्वायर बाई में यहाँ क्या आएगा फिर क्या है, जीरो बाय जीरो का फॉर्म है, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसको फैक्टराइज भी कर सकते हो या फिर दो पॉइंट से डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करना इजी रहेगा, तो वही कर सकते हैं, क्या जाएगा तो देखो 40 क्यूब माइनस 24 टी अपॉन टी का कितना आएगा 1, टी पुट करो कितना आएगा 3 का स्क्वायर होता है टी 3 है, हाँ तो 27 इंटू 4 कितना हो गया 108 माइनस कितना आएगा 72 कितना है यहाँ से 36 क्या मेरा आंसर है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं इसमें, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, एस इज द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन fx बराबर मॉड 2 माइनस मॉड x माइनस 3 x बिलोंग्स टू r इज नॉट डिफरेंशिएबल, देन समेशन ओवर f ऑफ fx निकालना है अपने को। ये क्या है, एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन क्या है 2 माइनस मॉड x माइनस 3, ठीक है, बताना है कि ये कहां-कहां पे नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, वो सारे पॉइंट निकालने हैं, उनको यहाँ पुट करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो इसके पॉइंट्स क्या होंगे, मतलब वैसे पॉइंट यहाँ पे ये नॉन डिफरेंशिएबल कैसे निकलेगा, दो तरीका, एक थ्योरेटिकल एक ग्राफिकल, ठीक है ना। थ्योरेटिकल कहाँ पे, जहां पे जीरो हो जाए, तो देखो ये कहाँ पे जीरो होगा 3 पे, और ये पूरा कहाँ पे जीरो होगा इसके हिसाब से, जब यहाँ पे 1 हो गया तो 2 माइनस 2 कितना हो गया 0 1 और कितना 5, तो पॉइंट्स कितने मेरे पास 1 3 एंड 5, इसको पुट कर दो यहाँ पे क्या आएगा f of f1 plus f of f3 plus f of f5 रख दो इसमें, इसमें रख के सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है ना। ये हो गया थर्ड का क्वेश्चन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है, ग्राफिकल अप्रोच, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफिकल अप्रोच, देखो ग्राफ कैसे बनता है इसका, अगर आता तो ठीक, नहीं तो देख लो आपने क्या क्वेश्चन क्या है, fx क्या है मॉड 2 माइनस x माइनस 3, ठीक है। ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, इसमें क्या है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स यूज होगा, ठीक है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ क्या करते हैं कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ कॉम्प्लेक्स वाला, तो सबसे पहले हम ग्राफ उसका ड्रॉ करते हैं जो जो कि इजीली अवेलेबल है, मतलब जिसका ग्राफ हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना, बिना किसी दिक्कत के। तो इस पूरे को देखो, सबसे सिंपल क्या है इसमें ड्रॉ करना, मॉड एक्स माइनस 3 ड्रॉ करो, क्या होगा मॉड एक्स माइनस 3 ऐसा होता है, ये बन क्या होगा 3,0 और ये कितना होगा 0,3। उसके बाद हमने इसमें क्या किया, माइनस लगाया, ये ग्राफ किस क्या है y बराबर mod x माइनस 3, हमने क्या किया इसमें एक माइनस लगा दिया, तो क्या हुआ ग्राफ सीधा रिवर्स हो गया, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा कुछ ऐसा हो गया, ये ग्राफ किस क्या है माइनस ऑफ mod x माइनस 3 का ग्राफ, ठीक है। उसके बाद हमने 2 ऐड किया, देखो ये पॉइंट कितना आएगा 0,-3, ठीक है ना। तो ऊपर वाला काम खत्म हो गया, इसको साफ कर लिया। अब क्या किया हमने, इसमें हमने 2 ऐड किया, ठीक है ना। तो जैसे ही 2 ऐड किया तो क्या होगा, ग्राफ 2 यूनिट ऊपर चला गया, तो ये कितना 0,1,2 यहाँ पे आएगा, ये कितना -3, -2, -1 यहाँ पे आएगा। तो अब जो ग्राफ होगा वो कैसा आएगा, कैसा होगा वो ऐसा होगा, इस तरह से ग्राफ हो गया, ठीक है। तो पॉइंट देखते हैं, ये कर्व किसका है 2 माइनस मॉड x माइनस 3 का, ये पर कितना आ जाएगा 3,2, ये कितना होगा 0
जीरो करो माइनस में, इसके लिए एक्स, इसके लिए करेंगे बताओ, इस पॉइंट के लिए जीरो कहां पर होगा वो देखेंगे, तो जीरो के लिए करना पड़ेगा एक्स, एक बार यहां वन रखेंगे तो वन रखेंगे, वन माइनस थ्री माइनस टू क्या रहेगा टू, तो टू माइनस टू कितना होगा जीरो, कितना पॉइंट रहेगा वन कॉमन जीरो, फिर इसके लिए क्या होगा एक्स कितना रहा फाइव, फाइव माइनस थ्री टू, टू माइनस टू जीरो, देखता हूँ फाइव कॉमन जीरो, मतलब एक्स वन और फाइव रखने पर एक्स परसेंट क्या हो जाएगा जीरो के बराबर, ठीक है ना। अब क्या करना है फिर पूरे में मॉड लगाना है, जैसे पूरे में मॉड लगाने क्या होगा जो ये नीचे का पार्ट था वो क्या हो जाएगा ऊपर चला गया सेम टू सेम। अब देख लो सापेक्ष कहाँ पे है, नल डिफरेंशियल कहाँ पे होगा जहां पे सापेक्ष बनेगा, ठीक है ना, जहां पे सापेक्ष बनेगा वहां पे क्या होगा नॉन डिफरेंशियबल, तो सापेक्ष कहाँ बनता है एक यहाँ और एक यहाँ, तो एस जो है एस, ये एस क्या हो जाएगा यहाँ पे वन थ्री एंड फाइव, तो क्वेश्चन क्या जाएगा मेरा एफ ऑफ एफ वन प्लस एफ ऑफ एफ थ्री प्लस एफ ऑफ एफ फाइव, ठीक है रख के निकालो एफ ऑफ वन क्या होगा, एफ ऑफ थ्री क्या होगा, एफ ऑफ फाइव क्या होगा, एफ ऑफ वन के लिए देखो क्या होगा वन माइनस थ्री कितना हो गया माइनस टू, एफ ऑफ वन जीरो हो गया एफ जीरो, एफ थ्री कितना हो जाएगा एफ ऑफ टू, और एफ फाइव कितना हो जाएगा फिर से एफ जीरो, ठीक है ना, तो एफ जीरो कितना होगा इक्वेशन में देखो रखे टू माइनस थ्री कितना हो जाएगा वहां से वन, एफ ऑफ टू कितना होगा ये जगह टू माइनस थ्री माइनस वन तो वन, टू माइनस वन तो वन, ये भी कितना हो गया ये भी कितना हो गया तो कितना हो गया थ्री, आंसर क्या थ्री, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, मतलब इंटीजर टाइप सारे क्या बहुत सिंपल थे, कुछ करना नहीं अपने को, बस बेसिक प्रॉपर्टी याद रखनी है, सवाल उसी पे बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन क्या है लेट ए बी एंड सी बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, इफ पी अ पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल एबीसी सच दैट द ट्रायंगल्स एबीसी एपीबी एंड बीपीसी हैव इक्वल एरियाज ऑन द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट पीक्यू वेयर क्यू बिलोंग्स, वेयर क्यू कोऑर्डिनेट क्या दे रखे थे। क्वेश्चन का स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा है, क्वेश्चन है बहुत सिंपल, क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रायंगल है उसके कोऑर्डिनेट क्या क्या है, ए दे रखा है वन कॉमा जीरो, बी दे रखा है सिक्स कॉमा टू, और सी दे रखा है थ्री बाई टू कॉमा सिक्स, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे पी एक पॉइंट है इन साइड द ट्रायंगल, ठीक है, पी इसके अंदर भी एक पॉइंट है इस तरह से सच दैट द ट्रायंगल्स एपीसी, ट्रायंगल ए पी सी, उसके बाद ए पी बी, ए ये पी है ए पी बी एंड बी पी सी, बी पी सी मतलब ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया तीनों क्या इक्वल है, ठीक है ना, तो बताना है कि पी क्यू का लेंथ क्या होगा, वेयर क्यू क्या है ये पॉइंट है, ठीक है। तो अब देखो ये एरिया और ये एरिया बराबर कब होगा, इक्वल कब होगा, जब पी क्या हो जाएगा इसका सेंट्रॉइड हो जाएगा, ठीक है ना, पी क्या हो गया इसका सेंट्रॉइड हो गया, तो कॉन्टिनेंट पी क्या हो जाएंगे सम ऑफ द एक्स कोफिशिएंट 1 प्लस 6 प्लस 3 बाय 2 बाय 3 एंड सम ऑफ वाई कोफिशिएंट 2 प्लस 0 प्लस 6 अपॉन 3, ठीक है। यहां से क्या मिल गया अपने को, पी मिल जाएगा, यहां से आपको क्यू दिया हुआ है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, बहुत सिंपल सा, ठीक है। सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा, कुछ नई चीजें सीखने मिली होंगी आपको, ठीक है, अगर समझ आया कुछ नया सीखने मिला तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।